नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला मोबाइल इंटरएक्टिव न्यूज चैनल अमर उजाला टीवी और मैं हूं आपके साथ वैभव कुमार। आइए शुरू करते हैं सरकारी नौकरियों को पाने में आपकी मदद करने वाला अमर उजाला टीवी का यह खास बुलेटिन करियर प्लस। हर रोज की तरह आज भी इस बुलेटिन में हम आपको देंगे जानकारी लेटेस्ट सरकारी नौकरियों की, बताएंगे उन करंट अफेयर्स के बारे में जिनके बारे में आपसे सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं या इंटरव्यू में सवाल पूछे जा सकते हैं, और साथ ही इस बुलेटिन में हम हर रोज आपको बताते हैं किसी एक खास शख्सियत के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का करियर प्लस बुलेटिन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं करंट अफेयर्स। बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। 6 अप्रैल 1980 को मुंबई में बीजेपी की स्थापना हुई और अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष बने। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं कि बीजेपी की पूरी कहानी क्या है, कहां से शुरुआत हुई और आज बीजेपी किस मुकाम पर खड़ी है। हमको एक हाथ में भारत का संविधान और दूसरे में समता का निशान लेकर मैदान में कूदेंगे और जूझेंगे। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेंगे। सामाजिक समता का बिगुल बजाने वाले महात्मा फुले हमारे पथ प्रदर्शक होंगे। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण बीजेपी के पहले अधिवेशन का है। ये वाजपेयी का विश्वास था या उनकी दूरदृष्टि, लेकिन उनका हर शब्द आज सत्य की कसौटी पर खरा नजर आता है। हालांकि आज जिस मुकाम पर बीजेपी है वो उसे अपने स्थापना दिवस के तुरंत बाद नहीं मिली। इस अधिवेशन के बाद साल 1984 में हुए पहले आम चुनावों में बीजेपी को महज 2 सीटें हासिल हुई। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए इन चुनावों में कांग्रेस ने 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा को जिन 2 सीटों पर जीत मिली थी उनमें से 1 सीट गुजरात और दूसरी आंध्र प्रदेश की थी, लेकिन इन परिणामों से बीजेपी ने हार नहीं मानी। अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बीजेपी ने जन आंदोलनों के देशव्यापी अभियानों का सहारा लिया और इसका लाभ बीजेपी को अगले यानी साल 1989 में हुए आम चुनावों में देखने को मिला। साल 1989 में हुए आम चुनावों में बीजेपी ने 85 सीटों पर जीत हासिल की। इसके बाद बीजेपी लगातार आगे बढ़ती चली गई। साल 1996 में हुए आम चुनावों में बीजेपी ने पहली बार कांग्रेस से ज्यादा सीटें हासिल की। इन चुनावों में कांग्रेस 140 के आसपास सिमट गई जबकि बीजेपी ने 161 सीटों पर परचम फहराया। इसी चुनाव के बाद पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। हालांकि 13 दिनों के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वाजपेयी ने साल 1996 के बाद 99 में एक बार फिर से देश की बागडोर संभाली। आज स्थितियां बेहद अलग हो चुकी हैं। सीटों की संख्या और संगठन के विस्तार के धरातल पर आज की बीजेपी का आकार 90 के दशक की बीजेपी की तुलना में अत्यंत बड़ा और व्यापक हो चुका है। साल 2014 में बीजेपी ने पहली बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीजेपी यही नहीं रुकी, शाह और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी उन राज्यों में भी सरकार बना रही है जहां अब तक उसका खाता खुलना बेहद मुश्किल माना जाता था। तमाम राजनीतिक पंडित इसे बीजेपी का स्वर्णिम काल कहते हैं, लेकिन बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह इस समय को भी बीजेपी का स्वर्णिम दौर नहीं मानते। अमित शाह की माने तो बीजेपी का स्वर्णिम काल आना अभी बाकी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली। पिछले साल मई में शुरू हुआ पेटीएम पेमेंट बैंक बड़े पैमाने पर एक्सपेंशन की तैयारी में है। अब बैंक न केवल अपने रिटेल नेटवर्क बढ़ाएगा बल्कि कई ऐसे प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च करेगा जो ग्राहक को सीधे फायदा पहुंचाएगा। जानिए क्या बदलाव लाने की तैयारी में है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक नए फाइनेंशियल ईयर में बड़े पैमाने पर बेहतर सुविधा देने की तैयारी में है। बैंक अब अपने रिटेल नेटवर्क बढ़ाएगा, इतना ही नहीं पार्टनरशिप के जरिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने की तैयारी में है। पेटीएम पेमेंट बैंक में मौजूदा कस्टमर की संख्या इस वक्त 20 करोड़ पहुंच चुकी है। इनमें से ज्यादातर कस्टमर पेटीएम वॉलेट वाले कस्टमर है।
बैंक की स्ट्रेटजी पर पेटीएम पेमेंट बैंक की एमडी रेणु सुत्ती बताती हैं कि 2017 में हमारा पूरा फोकस अपना प्रोडक्ट खड़ा करने पर होगा। 2018 में हमारा पहला लक्ष्य पूरे देश में 1,00,000 बैंकिंग आउटलेट शुरू करने का है। यह आउटलेट कोई किराना स्टोर या कोई कॉस्मेटिक शॉप भी हो सकती है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के बैंकिंग आउटलेट की तरह काम करेंगे। पेटीएम पेमेंट बैंक का दूसरा लक्ष्य अपने कस्टमर्स को कुछ और प्रोडक्ट्स और सर्विसेज उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें यहां भी सेविंग्स अकाउंट, डेबिट कार्ड और एफडी के अलावा भी बैंकिंग सुविधा मिल सके। इनमें डीडी डिपॉजिट और बुक उपलब्ध कराने जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली। तो ये था आज का करंट अफेयर्स सेगमेंट, और जब भी बात करंट अफेयर्स से जुड़े सवालों की आती है तो आपको पता है कि इनके सारे जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ यहां, यानी अमर उजाला टीवी पर। तो इन सरकारी नौकरियों को पाने में आपके लिए मददगार होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा जॉब्स अलर्ट सेगमेंट, दिखाते हैं किन सेक्टर्स में आज नौकरियां निकली हैं। भारतीय डाक विभाग, अंतिम तिथि 4 मई 2018, कुल पद 5,778। पद का विवरण, ग्रामीण डाक सेवा। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। राजस्थान लोक सेवा आयोग, अंतिम तिथि 29 मई 2018, कुल पद 916। पद का विवरण, असिस्टेंट इंजीनियर। शैक्षणिक योग्यता स्नातक। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष। तो जल्दी करें अप्लाई इन सरकारी नौकरियों के लिए, और ये पूरा बुलेटिन आप amarujala.com के वीडियो सेक्शन में अपने वक्त और सहूलियत के हिसाब से देख सकते हैं। अगर आप हमारे बुलेटिन में किसी खास विषय की जानकारी चाहते हैं तो हमें अपना सवाल मोबाइल पर वीडियो की शक्ल में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। इसके लिए आप amarujala.com के वीडियो सेक्शन में जाएं और आपके वीडियो टैब पर क्लिक करें। और अब बात करते हैं आज की हमारी शख्सियत की। बात शास्त्रीय संगीत की हो और सितार वादक पंडित रविशंकर का नाम न लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही आज पंडित रविशंकर हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके सितारों के सुर आज भी आनंद की अनुभूति करा जाते हैं। देखिए पंडित रविशंकर के जन्मदिन पर ये खास रिपोर्ट। बात शास्त्रीय संगीत की हो और सितार वादक पंडित रविशंकर का नाम न लिया जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। भले ही आज पंडित रविशंकर हमारे बीच ना हो, लेकिन उनके सुरों से आज भी आनंद की अनुभूति की जा सकती है। बीसवीं सदी के महान कलाकारों में से एक पंडित रविशंकर ने जो अपनी छाप छोड़ी है वो सदियों तक कायम रहेगी। शायद ही इस बात पर कोई संदेह करे कि पंडित रविशंकर सितार के महान जादूगर थे। उन्होंने वाद्य संगीत को जिस उच्च स्तर तक दुनिया भर में फैलाया उसका कोई सानी नहीं है। वो जब सितार के तारों पर उंगलियां रखते थे तो बेजान तारों में भी एक ऐसी मोहक गूंज गूंजने लगती थी जिससे संसार के एक कोने को दूसरा कोना प्रेम पाश में बह जाता था। साल 1920 में बनारस में जन्मे पंडित रविशंकर ने कम उम्र में ही बड़े मुकाम हासिल करना शुरू कर दिया था। उनके बड़े भाई उदय शंकर एक प्रसिद्ध नर्तक। पंडित रविशंकर पहले अपने भाई की नर्तक मंडली के साथ नृत्य प्रदर्शन करते हुए घूमते रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नृत्य छोड़ सितार वादन का अभ्यास शुरू किया। उन्होंने अलाउद्दीन खान साहब से सितार वादन की शिक्षा ली और इसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1992 में पंडित जी को भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंडित रविशंकर ने अपने जीवन में दो शादियां की। उनकी पहली शादी गुरु अलाउद्दीन खान की बेटी अन्नपूर्णा से हुई, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया। इसके बाद पंडित रविशंकर की दूसरी शादी सुकन्या से हुई।
जिनसे उनकी एक बेटी अनुष्का शंकर है। इसके अलावा पंडित रविशंकर के संबंध एक अमेरिकी महिला सू जोन्स से भी रहे, जिनसे उनकी एक बेटी नोरा जोन्स है। पंडित जी की दोनों बेटियां अनुष्का शंकर और नोरा जोन्स पंडित जी की संगीत विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। पंडित रविशंकर के मैग्सेस, 3 ग्रैमी अवार्ड सहित देश विदेश के न जाने कितने पुरस्कार मिले। वो साल 1986 से 1992 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली। करियर प्लस के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अमर उजाला टीवी पर आपके गांव, गली, मोहल्ले और देश दुनिया की बाकी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए अमर उजाला टीवी। नमस्कार।